Hello, good morning, India. Live from आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी के अंदर। So, दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है मंडे टू सैटरडे अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है सुबह 8 बजे, जिसके अंदर अपन द हिंदू न्यूज़पेपर के अलावा जो भी अपने इंपॉर्टेंट लीडिंग न्यूज होती है या अपने न्यूज के जो पोर्टल्स हैं उन सभी से इंपॉर्टेंट न्यूज निकाली जाती है ताकि आपके एग्जाम के अंदर आप आसानी से उनको सॉल्व कर सके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको काफी मदद मिल रही होगी, काफी बेनिफिट मिल रहा होगा, आपके जो इंटेलेक्चुअल सोचने का तरीका है, जीने का तरीका है, उसमें भी काफी बदलाव आया होगा और काफी आपको मदद मिली होगी। तो दोस्तों हमेशा की तरह यही करेंगे, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने कल आपको दिए थे उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद चलेंगे आज के इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या था जो मैंने कल आपको दिया था। यहां पे पीटा योजना के बारे में मैंने पूछा था आपसे कि कौन से राज्य के द्वारा शुरुआत करी गई है, और आप सभी को मालूम है ये शुरुआत किसके द्वारा, ठीक है, उड़ीसा के द्वारा करी गई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो था आपका, यहां पे मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के बारे में पूछा गया था, ठीक है, कि ये किसको दी गई है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के द्वारा। तो आपको इसका आंसर देना था और इसका आंसर सही क्या होगा, तीर्थ यात्रा मध्य प्रदेश के द्वारा, ठीक है, मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट करी गई थी आई गेस। ओके, तो एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लेना, तीर्थ यात्रा योजना किसके द्वारा दी गई थी। अगला सवाल देखते हैं, हु इज द रिचेस्ट इंडियन सेलिब्रिटीज, सबसे जो टॉप की 100 की जो सूची है फोर्ब्स इंडिया की, उसमें सबसे अमीर भारतीय प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है जो लगातार तीसरे साल शीर्ष पर है। तो कौन थे, सलमान खान तीसरे साल से जो है सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, मतलब भारतीय के अंदर तीन साल से। आगे देखते हैं, यहां पे अगला था आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है, और इसका आंसर जो होगा दिल्ली होगा। कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया, दिल्ली होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा उसका आंसर। तीर्थ यात्रा जो प्रोग्राम है ना वो किसके द्वारा करी गई है, दिल्ली के द्वारा करी गई है, ठीक है, तो दिल्ली आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके अलावा अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल ये सलमान खान इसका हो ही गया, और यहां पे आपको एक इनकरेक्ट बताना था कि कौन सा इनकरेक्ट है। अब यहां पे देखिए दोस्तों, आपको कतर की क्या है, दोहा है, लीबिया की त्रिपोली है, कांगो की भी किनशासा है, लेकिन यहां पे नाइजीरिया की राबट कैपिटल नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नाइजीरिया जो है यहां पे ये गलत है। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि कई बार आपको कैपिटल करेंसी जो है ना वो ध्यान रखने होते हैं, तो नाइजीरिया अगर आपसे पूछा जाए तो अबूजा है इसकी कैपिटल, एक्चुअली अबूजा इसकी कैपिटल है ना कि राबट, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला था जो कि था आपका वर्ल्ड सॉइल डे इज ऑब्जर्व ऑन 5th of December, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे 2018, तो थीम आपको बतानी थी, तो थीम क्या है, ए इसकी थीम है सॉइल पॉपुलेशन इज अ हिडन रियलिटी, तो सॉइल पॉपुलेशन भी एक मेजर मुद्दा है, इसको लेकर इसमें बातचीत करेंगे। आगे देखते हैं, फिनटेक को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा समझौता ज्ञापन है, तो किसने एमओयू साइन किया है फिनटेक को बढ़ावा देने के लिए, तो यह इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड है जिसने ये एमओयू किया है। आगे देखते हैं दोस्तों, द फर्स्ट इंडियन टू स्केल शादरी माउंटेन रेंज, शादरी पर्वत जो श्रृंखला है उसको मापने वाले पहले भारतीय कौन है, तुहिन है, तो आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, डी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, तो किस राज्य सरकार ने पायथा योजना शुरू की जो प्रौद्योगिकी पारदर्शिता और टीम कार्य मॉडल की 3T पहल का हिस्सा है, तो यहां पर यह मैंने अपन ने बातचीत करी ली थी पीटा के बारे में, किए उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पे था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राज्य के सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल
बोगीबेल ब्रिज का उद्घाटन किया। कहां पे किया है? आसाम के अंदर किया है। आपको मालूम है आसाम और अरुणाचल का डिस्टेंस जो है वो इससे काफी शॉर्ट हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक के अंदर काफी मदद मिलेगी। हु लॉन्च चांस ऑफ अप्रूवल द इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर दैट विल हेल्प लोन एप्लीकेशन चूज देयर मोस्ट सुटेड लैंडर। तो मोस्ट सुटेड लैंडर जो है वो अप्रूव करने के लिए पैसा बाजार ने इसको लॉन्च किया है। तो डी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं दोस्तों आज का कोट ऑफ द डे क्या है। बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही ब्रिलियंट बात है दोस्तों, कुदरत ने हम सबको हीरा ही बना है, बस शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। ये बात है, हर एक आदमी के अंदर टैलेंट है, हर किसी का सोचने का तरीका अलग है, हर किसी का जीने का तरीका अलग है। आप सबके अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है, बस बात है कि आपको घिसने की, और तभी कोई घिसता है तभी वो चमकता है। सिंपल सी बात है। चाहे जब अपन डायमंड जब निकलता है तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती, लेकिन जब उसको घिसाई होती है थाउजेंड्स ऑफ डिग्री की टेम्परेचर के ऊपर, उसको हीट किया जाता है, तब जाके उसकी शाइन जो आती है और तब जाके उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो सिंपल सी बात है यार, आप लोग भी अपने आप को जितना हो सके मेहनत करो, जितनी हो सके अपना पॉजिटिव जो है अपने पॉजिटिव पाथ के ऊपर चलो, ताकि आप अपना जो टाइम है वो सही तरीके से यूटिलाइज कर सको और आगे बढ़ सको। तो उम्मीद करता हूं कि यार आप लोग ये बात समझेंगे कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने की तो बात है, उसके बाद तो सारी चीजें अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। आज के फर्स्ट पेज की बात करें तो सबसे पहले तो एग्जिट पोल आ चुके हैं, और अभी आपको मालूम है कि दो चार राज्यों में इलेक्शन हुए ही है। तो यहाँ पे तेलंगाना, राजस्थान, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, मिजोरम के, यहाँ सबके एग्जिट पोल आ चुके हैं और इलेक्शन हो चुके हैं। कल ही हुए हैं राजस्थान के अंदर, तेलंगाना के अंदर इलेक्शन। तो यहाँ पे राजस्थान के अंदर तो डायरेक्टली कांग्रेस जीती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा चार पांच अलग अलग सोर्सेज है, उन्होंने एग्जिट पोल दिए, जैसे कि चाणक्य है और भी कई सारे हैं। तो उन्होंने किसी ने कम बताया, किसी ने ज्यादा बताया। तो एक्चुअली में तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा, लेकिन यहाँ पे मेन फ्रंटलाइन पे जो न्यूज है वो इसी चीज को लेकर है। एक यहाँ पे सेल्फी स्टिक है, आपने एक सेल्फी स्टिक तो देखी होगी जिसको लेकर लोग सेल्फी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टिक कोई दूसरी है। गौतम गंभीर ने रिटायरमेंट लिया, उनका एक फैन है जो कि ग्राउंड में आया उनसे सेल्फी लेने के लिए, और यहाँ पे एक स्टिक लेके जो गार्ड है वो उसको मारने के लिए आया। ठीक है, तो ये सेल्फी स्टिक इसको नाम दिया गया। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा के जो ऑफिस है, घर है, उसको वहां पर रेड मारी गई है ईडी के द्वारा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसके द्वारा क्या करी गई है, रेड मारी गई है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक जो है उसको लेकर बातचीत करी गई, और कोई खास नहीं है। यहाँ पे ये न्यूज इंपॉर्टेंट है जो कि अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को लेकर है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और की बात करें तो और कुछ भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बताया कि योगी जी स्टार प्रचारक रहे हैं, मोदी जी से ज्यादा रह लिया तो योगी जी ने करी है, और ठीक है यहाँ पे ये सब बताया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले जो रघुराम राजन के जो स्टूडेंट थे, अभी वो बन चुके हैं इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। जो अपॉइंटमेंट कमिटी है कैबिनेट की, ठीक है, उसने अपॉइंटमेंट दिया है कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम को, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उनको 3 साल के लिए बनाया गया है। ठीक है, सुब्रमण्यम ने भी पीएचडी करी है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से, और स्कूल ऑफ बिजनेस के अंदर भी रह चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके जो पहले अपने टाइम पे जो गवर्नर थे रघुराम राजन, उनके स्टूडेंट रह चुके हैं, और आईआईटी कानपुर, आईआईएम कलकत्ता, यहां से पास आउट रह चुके हैं, एसोसिएट प्रोफेसर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के अंदर अभी वो भी है। ओके, तो ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाए गए, तो आपको ध्यान रखना है इनका नाम सुब्रमण्यम, आपके पेपर में ये सवाल पूछा जा सकता है। और भी कई सारे न्यूज में इनके बारे में बताया गया, आप देख सकते हैं सरकार ने कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को 3 साल के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर भी बताया गया है, ये इनकी फोटो है जो कि आपके सामने है। ओके, और देश के जो इकोनॉमिक एडवाइजिंग देने का काम है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का होता है। ओके, कई सारे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जो है ना, उसकी जो अथॉरिटी है उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कंट्रोल करते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डायरेक्टली इनको चार्ज जो है वो दिया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 5 पे, और यहाँ पे मिक्का को यूएई के अंदर पकड़ लिया गया था, जेल हुई है इनको, क्योंकि ये कोई खराब फोटो है जो कि किसी ब्राजीलियन टीनेजर को, इन्होंने इनडिसेंट फोटो है जो कि सेंड करी थी, उन्होंने कंप्लेन कर दी और यूएई ने पुलिस वालों ने पकड़ के इनको एक दिन के लिए डाल दिया। वो हालांकि कल इंडियन गवर्नमेंट ने जब इंटरफेयर किया तो इनको रिलीज किया बेल के ऊपर। ओके, तो ये तो ऐसे काम करते रहते हैं, तो इनके लिए छोटी मोटी बात है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं अपन स्वामीनाथन जी की, जीएम क्रॉप की बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जीएम क्रॉप को लेकर एक बड़ा कंट्रोवर्सी है जो कि यहाँ पे हो चुकी है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखिए एक्चुअली कंट्रोवर्सी हुई क्या है, कुछ एक रिसर्च पेपर है जो कि अभी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो है अपने एमएस स्वामीनाथन जो है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बताया है उन रिसर्च पेपर के अंदर कि जो बीटी कॉटन जो है ना, बीटी कॉटन आपको पता ना, ठीक है, वो टोटली क्या है, जो जीएम क्रॉप है अपने तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो बीटी कॉटन को फेलियर बताया है।
जिसको क्रिटिसाइज किया गया इंडियन प्रिंसिपल साइंटिस्ट के जो एडवाइजर है विजय राघवन जी के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने एक बात बोली है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। मतलब इन्होंने ये बोला इन रिसर्च पेपर के अंदर, स्वामीनाथन जी ने और केशावन जी ने काफी इन्होंने काम किया है इस फील्ड के अंदर, तो उन्होंने बोला कि जो ये म्यूटेशन होता है, नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, ये सबसे प्राइमरी चीज होती है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, जो कि देखने को अभी इसकी वजह से नहीं मिली। ठीक है, दूसरी बात करें जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी होती है, ओके, वो क्या उसके अंदर जो इंसर्शन किया जाता है ना बैक्टीरिया का, वो भी बाहर से लाया जाता है, तो वो भी इतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा है। कॉस्ट जो है सीड्स की वो बड़ी है, तो इतने फार्मर जो है वो इतना ज्यादा इनको खरीद नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने और हेल्थ की बात करें तो उसके अंदर तो अभी ऐसा कुछ ज्यादा रिसर्च हुई नहीं है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स भी इन्होंने बोला है कि इंडिया ने कोई ऐसे बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल्स को निभाया नहीं जिससे जीएम क्रॉप्स को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, और जो पिछले 10 साल तक के लिए बोलते हैं कि बीटी कॉटन जो है वो 10 साल तक के लिए रहेगा, तो उतने टाइम तक के लिए ये सस्टेन भी नहीं कर पाया है। ऐसी कई सारी बातें हैं जो कि स्वामीनाथन जी ने बताई है। ठीक है, और लेकिन हालांकि यहाँ पे जो पीस जो इंडिया के जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है विजय राघवन जी, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, उन्होंने इस चीज के बारे में उल्टा बोला है। हालांकि बात करें इंडिया के कॉटन प्रोडक्शन की, तो इंडिया पिछले कई सालों से कॉटन जो बीटी कॉटन प्रोडक्शन है उसको बढ़ा रहा है। 95% जो है आप इंडिया में देख सकते हैं बीटी कॉटन ही चल रहा है। ठीक है, 500, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अपन रुक चुके हैं 500 केजी पर हेक्टेयर पे अपन रुक चुके हैं। अपन ने जेनेटिकली मॉडिफाइड यूज तो किया, लेकिन अब अपन इस रेंज पे रुक चुके हैं 500 केजी पर हेक्टेयर पे, और ये चाइना और इजिप्ट से बहुत कम है हालांकि, समझ रहे हो। और बीटी ब्रिंजल जो है उसको भी अभी कुछ टाइम पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी जो होती है GEAC बोलते हैं, जो अप्रूवल देती है ना इनको बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, कोई सा भी बीटी हो, ठीक है, तो इसको जो कमिटी देती है उसका नाम है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। तो उसने क्या किया था कि बीटी ब्रिंजल को तो दिया, लेकिन बीटी एक और की बात चल रही थी, है ना, मस्टर्ड की भी बात चल रही थी, लेकिन उसको अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है। तो यहां पे इस चीज के बारे में मुद्दा है। अब अपन थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये बीटी कॉटन होता क्या है। पहली बात तो आपको ये पता लगे कॉटन काम में कहां पे आता है, कॉटन काम में कहां पे, ये तो पता है ना आपको। बहुत सारी अपनी जो प्लास्टिक से लेकर, अपने जो ऑयल से लेकर, ठीक है, अपने जो फोडर होता है ना उसमें से लेकर, बहुत जगह पे अपन कॉटन को काम में लेते हैं। कई सारे इमल्सिफायर्स बनते हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं इससे। ठीक है, तो यहां पे देखिए अब अपन बात कर लेते हैं पहले इसके बारे में। ये तो मैंने आपके साथ में डिस्कशन कर लिया कि ये बीटी काम कैसे करता है। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है, एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस, ठीक है, थ्योजेनेसिस, उससे क्या होता है, बैसिलस थ्योजेनेसिस से क्या होता है, उसके अंदर से जो है ना वो जीन्स को निकाला जाता है, समझ गए। जैसे कि ये है फॉर एग्जाम्पल, तो इसके अंदर से क्या होता है कि जीन को निकाल, बैसिलस थ्योजेनेसिस में से जीन्स को निकाला जाता है, फिर उसके बाद में एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, और वो पूरा प्रोसेस करने के बाद में हम जो कॉटन होता है उसके अंदर उसको इंजेक्ट कर देते हैं, समझ गए। अब इंजेक्ट करने के बाद में क्या होता है कि जो वीड्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, जब वो अटैक करते हैं कॉटन के ऊपर, और जब इस वाले बैसिलस को, जीन को अपने अंदर लेके जाते हैं, तो उनके पीएच लेवल उससे मैचअप नहीं कर पाता और फाइनली उनकी डेथ हो जाती है, और वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते अपने कॉटन को। तो अपनी जो लाइफ होती है वो भी बढ़ जाती है, और प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ाने में काम में आता है। ये सारे प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा, ठीक है, ये काम करता है। पहले इंजेक्शन होता है, उसके बाद में सोलुबलाइजेशन होता है, एक्टिवेशन होता है, फिर बाइंडिंग टू टारगेट साइट पे करते हैं, फिर टॉक्सिक लिएशन जो है वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इंडिया की बात करें तो ये जो जेनेटिकली, ठीक है, आर्टिफिशियली इंसर्ट जो अपन करते हैं किसी दूसरे स्पीशीज के अंदर, तो इसको अपन जीएम क्रॉप कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पेस्ट रेसिस्टेंट भी बना सकते हो या फिर हर्बिसाइड टॉलरेंट भी बना सकते हो। और इंडिया ने अभी तक जो है मैंने आपको बताई दिया, कॉटन को तो कर ही दिया है, उसके अलावा ब्रिंजल और मस्टर्ड के ऊपर भी काफी टाइम से बातें चल रही है। इसके अलावा बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं जो कॉटन है, बीटी कॉटन, इसका तो अपन ने काफी कमर्शियलाइजेशन भी कर रखा है, काफी अपन उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। बॉलगार्ड 1 है, ठीक है, जिसको अपन ने पिंक बॉलवर्म से डेवलप किया, मॉन्सोटा के द्वारा इसको डेवलप किया गया 2002 में किया गया। और बॉलगार्ड 2 भी अपन ने 2006 के अंदर प्रोड्यूस किया, और वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया जो है काफी हद तक है कॉटन का, मतलब, ठीक है, टोटल 90% जो है वो अपन इसी से प्रोड्यूस करते हैं। तो ये थोड़ा सा इंडिया के बारे में। इसके अलावा पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप जो है बीटी कॉटन, ये देख सकते हो आप काम कैसे करता है। ये क्या करता है, एडिशन करता है क्राई ग्रुप ऑफ एंडोटॉक्सिन का, किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। अब जैसे कोई इंसेक्ट अटैक करेगा, ईट कॉटन प्लांट जो होता है
वो क्रैब प्रोटीन जो टॉक्सिन है वो डिजोल्व हो जाता है उसकी बॉडी के अंदर, जो अटैक कर रहा है इंसेक्ट, और उसके पीएच लेवल के अंदर स्टमक के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद फिर जो है वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, उसका टोटली जो गट वॉल है वो ब्रेकडाउन हो जाता है। तो इस तरीके से इसका प्रोसीजर होता है जिससे अपनी जो फसल है वो बच जाती है ना। और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया वर्ल्ड के अंदर, और एक्सपोर्टर के नाम पे भी, एक्सपोर्टर की बात करें तो उसमें भी टॉप थ्री के अंदर है। तो ये पूरा का पूरा बीटी कॉटन का प्रोसीजर है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यार आपको समझ में आ गया ना सब कुछ, ये सब चीजें। तो ये सब ऐसी चीजें दोस्तों जो कि आपको पता होना चाहिए, आपके हर एग्जाम के अंदर इसमें से कोई ना कोई सवाल भी आता है, जो बायोलॉजी का सवाल है या फिर कोई ना कोई सवाल बनता है, और अगर कुछ भी नया होता है तो फिर ऑब्वियस बात है वो तो अपने करंट अफेयर का भी सवाल बनता है, ठीक है। चलो दोस्तों, और साथ में शेयर कर दो जितना हो सके क्लासेस के बारे में, ठीक है, अपने सभी दोस्तों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। बहुत ही कम बच्चे हैं आज सैटरडे, तो यार आप लोग छुट्टी मार लेते हो सैटरडे पे। ओके चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं एरो इंडिया और एविएशन एक्सपो की, दोनों मर्ज किए जा रहे हैं। तो देखिए, एक तो अपना एरो इंडिया एक होता है, एक तो अपने, ठीक है, एग्जीबिशन होती है, और एक एविएशन एक्सपो होता है, दो होते हैं। अब क्या करा जा रहा है, दोनों को मर्ज किया जा रहा है। तो एरो इंडिया के अंदर भी कई सारे डिफेंस ओरिएंटेड चीजें हैं जो कि दर्शाई जाती है, सिविल एविएशन एग्जीबिशन के अंदर भी ऐसा ही होता है। ओके, और पहले तो ये हैदराबाद में होता था और अभी ये बैंगलोर या हैदराबाद दोनों में से एक जगह करवाने की बातचीत करी जा रही है, ठीक है। तो कुल मिला के दोनों को एक कर दिया गया है, और इनॉग्रेट कौन करेंगे, मोदी जी यहाँ पे इनॉग्रेट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एरो इंडिया की 2019 की जो थीम है वो है रनवे फॉर ए बिलियन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, रनवे फॉर ए बिलियन अपॉर्चुनिटी, ये इसकी थीम है एरो इंडिया की, जो कि एविएशन एक्सपो के साथ में मर्ज करके, या ये जो है बैंगलोर के अंदर करवाया जाएगा। 12th एडिशन जो एरो इंडिया का है वो बैंगलोर के अंदर होगा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर ऐसा होता है कि एक दिन तो स्टार्टअप डे होता है, एक दिन ड्रोन कॉम्पिटिशन होता है, एक दिन वुमेन डे होता है, सुनीता विलियम्स भी आने वाली है इस वाले इवेंट के अंदर, तो बड़ा इवेंट है। आगे चलते हैं, पेज नंबर 10 की बात करते हैं। पेज नंबर 10 की बात करें तो एक तो यहाँ पे हमास मूवमेंट को लेकर है, यूएस को गई बहुत बड़ा झटका लगा है यूएन के अंदर, एक तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और एक हवाई के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो क्या हुआ कि एक हमास मूवमेंट है जो कि क्या है, एक ग्रुप के द्वारा चलाया जा रहा है गाजा स्ट्रिप के अंदर। गाजा स्ट्रिप आपको पता है ना, गाजा स्ट्रिप क्या है कि एक एरिया है, ठीक है, एक छोटा सा एरिया है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में, जहां पे इसराइल ने उसको काफी हद तक कंट्रोल कर रखा है, लेकिन एक हमास मूवमेंट है जो कि वहां पे ग्रुप ने चला रखा है। अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले क्या इसराइल के ऊपर कुछ मिसाइलें भी दाग दी थी, और इसराइल फिर आपको पता है अपोजिशन के अंदर तो कुछ ना कुछ करता ही है, फिर इसराइल तो फिर इसराइली है। तो यूएस ने एक रेजोल्यूशन पास करवाने को बात करी थी, निकी हैली जो वहां की एम्बेसडर है, यूएन की एम्बेसडर है यूएस की, तो उन्होंने बोला था कि ये जो हमास मूवमेंट चल रहा है टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और एक टेररिस्ट एक्टिविटी है जिसकी वजह से इसराइल को बड़ा नुकसान होता है। हालांकि उनके फेवर के अंदर जो है ना वो बहुत ही कम वोट आए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आपको बैन करवाना होता है या हमास मूवमेंट को बैन करवाना है। एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जो कि बताया जाता है गाजा स्ट्रिप के अंदर हमास को, तो लेकिन एक्चुअली में हुआ ये कि उनको ये जो मेजोरिटी है वो वहां पे नहीं मिली है, ठीक है। काफी सारे देशों ने जो है उनको फेवर नहीं किया इस चीज को लेकर, और उनको कुल मिला के एक हार का सामना वहां पे करना पड़ा, और एक जो हमास मूवमेंट है मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है उन्होंने इसको एक बहुत बड़ा अपना अचीवमेंट जो है वो बताया है। ओके, तो कुल मिला के आपको एक ये इंटरनेशनली यूएन के अंदर बात हुई है, तो इसको लेकर मैंने आपके साथ में डिस्कस किया, ठीक है। आगे चलते हैं, जो कि हुए को लेकर चाइना की बहुत बड़ी, सबसे एप्पल को भी पीछे किया है प्रोडक्शन के अंदर अभी इसने कुछ टाइम में, तो बहुत बड़ी कंपनी है हुए जो कि मोबाइल फोन्स बनाती है चाइना के अंदर। जो प्रोडक्शन की बात करें तो मेजरली चाइना इसी की कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर कल को ये कंपनी शटडाउन होती है तो चाइना को ये मान लो यूएस के ऊपर ही डिपेंड हो जाना पड़ेगा। ये जो कंपनी है जिसके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, जिसके द्वारा बनाई गई थी, और रैन करके एक पर्सन है रैन, जो कि 20 साल तक क्या है चाइनीज आर्मी में भी उन्होंने काम किया, और जो जिनपिंग है उनके काफी अच्छे मित्र हैं, और उनके द्वारा इस कंपनी की फाउंडेशन रखी गई। अभी क्या हुआ, जो इनके कंपनी के जो फाउंडर उनकी जो बेटी है जिनको CFO ऑफिसर बना रखा है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बना रखा है, मियांग उनका नाम है, उनका नाम है मियांग, तो उनको क्या किया कनाडा के अंदर यूएस के द्वारा पकड़ लिया गया, ठीक है, डिटेंशन वहां पे कर दिया गया, ये बोल के कर दिया गया। उनके ऊपर जो चार्जेस लगे वो ये लगे कि आप लोग क्या कर रहे हो, यूएस के कई सारे प्रोडक्ट जो कि हमने बैन कर रखे हैं ईरान को बेचने को लेकर, क्योंकि ईरान ने क्या ईरान के ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगा रखे हैं, तो कई सारी चीजें क्या कर रहे हो आप, उसको डेटा से लेकर आप अपने प्रोडक्ट से लेकर कई सारी चीजें जो कि आपको नहीं देनी चाहिए ईरान को आप वहां पे दे रहे हो।
तो इस चार्जेस के साथ में उनको अरेस्ट कर लिया गया और यूएस ने इन्वेस्टिगेशन भी करी है और उनको काफी डर है कि कहीं ना कहीं यूएस का जो डाटा है या फिर कोई हैकिंग से लेकर या फिर कोई बाकी जो सीक्रेट चीजों से लेकर कहीं वो चाइना के पास में डिलीवर तो नहीं हो रही है। ओके, क्योंकि सिंपल सी बात है, फाउंडर है वो भी आर्मी में रह चुके हैं तो इसको लेकर यूएस काफी प्रॉब्लम में था। ठीक है, तो इस चीज को लेकर उन्होंने वहां पर अरेस्ट किया और यहाँ पे बातचीत अभी कुछ टाइम पहले मीटिंग हुई है यूएस और चाइनीज प्रेसिडेंट की G20 समिट के साइडलाइन पे कि भाई 90 दिनों के अंदर हम हमारे जो ये जो चार्जेस ट्रेड डील थी ना उसको अपन फाइनलाइज करेंगे और अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये अगर मुद्दा होता है तो दोनों के रिलेशन में काफी फर्क पड़ेगा। ओके, तो कुल मिला के ये यहाँ पे मुद्दा हुआ था जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे, चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं पेज नंबर 18 की बात करते हैं जो कि लग्जमबर्ग को लेकर है। छोटा सा देश है, मात्र 6.5-7 लाख की पॉपुलेशन है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि यहाँ पे गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, नियर बाय 5.5 लाख की पॉपुलेशन है और नियर बाय 1.5-2 लाख लोग है जो कि काम करने आते हैं बेल्जियम फ्रांस जर्मनी के बॉर्डर से यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉब्लम इतनी हो गई कि 1000 लोगों के ऊपर है ना 800 गाड़ियां हो गई है। तो छोटी सी सिटी है, छोटा सा कंट्री है, लेकिन इवन दो इतना छोटे सा कंट्री के अंदर गाड़ियां हर जगह पे गाड़ी नजर आती है क्योंकि यहाँ पे 1000 लोगों के ऊपर है ना 800 लोगों ने 800 गाड़ियां हैं, मतलब समझ रहे हो, 1000 लोग है तो 800 गाड़ियां हैं यहाँ पे, यूएस से भी ज्यादा है। यूएस में जो ये रेशियो है वो 662 का है, मतलब अपने यहाँ तो 1000 लोगों के ऊपर 800 साइकिलें भी नहीं होती है यार। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने गाड़ियां ले ली है तो इतना ज्यादा यहाँ पे सिटी जो है वो कंजेस्टेड हो चुकी है, ट्रैफिक जाम में फंस चुकी है। तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर कुछ टाइम पहले बने जेवियर, उन्होंने बोला है कि हम 2020 से क्या करेंगे, फ्री कर देंगे जो पूरा मास ट्रांजिट सिस्टम जो है ना, जो अपने गवर्नमेंट का जो अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको अपन टोटली फ्री कर देंगे ताकि कोई भी अपनी गाड़ी लेके बाहर ना निकले। हालांकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियस बात है। ओके, लेकिन एक जानने के लिए इंटरनेशनली कुछ ऐसा हुआ है तो इसलिए अपन ने इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इंडिया अपोजेस मूव टू चेंज गिलगित बाल्टिस्तान लीगल स्टेटस। तो इंडिया ने एक अपना बहुत ही स्ट्रांग जो है वो अपोज किया है। अभी क्या का अभी एक्चुअली में कर क्या रहा है, पाकिस्तान जो है ना अपना 5वां प्रोविंस जो है इसको डिक्लेयर करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो 5वां उसको एक अपना 5th प्रोविंस, एक्चुअली के अंदर पाकिस्तान जो है वो 4 प्रोविंस के अंदर बटा हुआ है। ठीक है, 4 प्रोविंस के अंदर बटा हुआ है। अभी ये जो एरिया है जिसको अपन ये एक्चुअली में ये पूरा कश्मीर है, आपको मालूम है ये तो पूरा कश्मीर है, लेकिन एक्चुअली रियलिटी में क्या है कि रियलिटी में ये वाला जो एरिया है वो तो चाइना के पास में है जिसको अपन अक्साई चिन कहते हैं, ये वाला जो एरिया है जिसको पीओके कहा जाता है ये गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये वाला जो एरिया है ये आजाद कश्मीर है जो कि अपने आप को ना इंडिया का ना पाकिस्तान का बताता है, हालांकि डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तानी इसका करता है। इन्होंने आजाद कश्मीर वालों ने अपना खुद का पीएमवीएम भी बना रखा है। ठीक है, खुद की कैपिटल, खुद का पीएम, ये सब। यहां पे है अपना जम्मू एरिया, यहां पे अपनी वैली, कश्मीर वैली वाला एरिया, और ये जो है अपना वो है पूरा लद्दाख वाला एरिया। तो एक्चुअली अगर बात करें तो ये जो रेड में जो है ना ये 50% एरिया ही कश्मीर का अपने पास में रियलिटी में, तो 25% के समवेयर, 20% के समवेयर इनके पास और 30% के समवेयर यहां पे चला जाता है। ओके, तो अपने पास तो ज्यादा एरिया जो ऑलमोस्ट 50% ही बचा, ज्यादा नहीं है। इसके अलावा बात करें अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, अभी इमरान खान के कैबिनेट ने अप्रूवल भी दे दिया इसको कि हमारे 4 रीजन थे, 4 प्रोविंस थे, 5वां हम इसको बना लेते हैं। तो इंडिया ने बोला कि भाई ये 5वां तुम ऐसे कैसे बना रहे हो, सिंपल। हालांकि आपको एक बात बताऊं कि जो सीपीसीसी है ना, जो पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है, वो भी ऐसे होकर गुजर रहा है। तो रियलिटी तो ये है कि भारत अपोज करे इसको या ना करे, ये है तो पाकिस्तान के हाथ में, सिंपल सी बात है। क्योंकि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो यहीं से होकर गुजर रहा है। अगर उस टाइम पे भारत अपोज कर लेता 2-4 साल पहले, 4-5 साल पहले जब वो प्रोजेक्ट चल रहा था और चाइना को यहाँ पे एंटर नहीं होने देता, तो ये डिस्प्यूटेड एरिया आज भी जो है वो भारत के अंडर में आने की पॉसिबिलिटी होती। लेकिन जब चाइना ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है, चाइनीज यहाँ पे आ चुके हैं, पाकिस्तानी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं बनता कि भारत कभी इसको वापस ले पाएगा। लेकिन फिर भी भारत ने इसको अपोजिशन दिखाया क्योंकि अपन इसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। यहाँ पे आपका है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, ओके, ये अपन ने कंट्रोल कर रखा ताकि ये चाइना और पाकिस्तान यहां से मिलकर इस एरिया को खत्म ना कर सके। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है सियाचिन ग्लेशियर का, जो कि इंडिया ने ऑक्यूपाई कर रखा है। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जो 3/4 एरिया है जो अपने ऊपर के माउंटेन पासेस है वो सब इंडिया ने ही कैप्चर कर रखे हैं, दुनिया के हाईएस्ट बैटल फील्ड उसको कहते हैं। और जो नीचे के पासेस है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है 1/4 के आसपास, वो पाकिस्तान के हाथ में, इंडिया पाकिस्तान की आर्मी यहां पर रहती है हमेशा, है ना। चलिए, तो यहां पे इंडिया ने क्या किया है, अपनी स्ट्रांग वॉइस रेज करी है, पाकिस्तान को बोला है
कि वो फिफ्थ प्रोविंस इसको ना बनाए, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है और पाकिस्तान ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई किया था 1947 के पार्टीशन के बाद में। इस्लामाबाद ने दो पार्ट्स में पाकिस्तान को डिवाइड कर रखा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, हालांकि लेकिन इंडिया उसको पूरा ही पीओके कहता है। ओके, तो ये सिंपल सी बात है। चार प्रोविंसेस जो पाकिस्तान के हैं वो एक तो कैबर है, सिंध है, पंजाब है और एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो इस तरीके से डिविजन हो रखा है इसका। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, है ना, आगे देखते हैं। इंडिया और चाइना ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि 11 दिसंबर से स्टार्ट कर रही है। आपको मालूम है दोनों का एक्सरसाइज का नाम होता है हैंड इन हैंड। तो ये आपके मिलिट्री एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन हर पेपर में आता रहता है, तो इसको एक मैंने पूरा वीडियो भी बना रखा है इसके ऊपर, आर्मी नेवी मिलिट्री तीनों का, नेवल का, एयरफोर्स का और आर्मी का, तो वो देख लेना आप, वो बहुत काम आएगा। ठीक है, साथ में इटली ने जीत लिया है एडमिरल कप सेलिंग रेगेटा 2018, तो पीआईबी की न्यूज है। एक्चुअली में दोस्तों ये जो कप है वो भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया था, बिगेस्ट मिलिट्री सेलिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट है। ठीक है, कौन सा, एडमिरल कप सेलिंग रेगेटा, और 2010 था जब इंडियन नेवी ने इंस्टीट्यूट किया था एडमिरल कप रेगेटा एज ए फ्लीट रेस, एक सिंगल क्रू ओलंपिक क्लास लेजर रेडियल सेल बोट पे क्या होता है आपको पार्टिसिपेट करना होता है इसके अंदर। तो यहां पे जो टीम इटली है, ओके, उसने जो इस टूर्नामेंट को जीत लिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। और SCL टेक्नोलॉजीज टू अक्वायर सेलेक्ट सॉफ्टवेयर एसेट्स फ्रॉम IBM। तो IBM जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है उसके कई सारे असेट्स है जो कि HCL जो है वो खरीदने वाला है। तो 1.8 बिलियन डॉलर की ये डील है जो कि काफी बड़ी है। तो कई सारे ऐसे कंपनी ने अपने डी इन्वेस्ट करना चाहता है IBM अपने असेट्स को, 7 ऐसे असेट्स हैं, ओके, तो उनको डी इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इस वजह से उसने ये कदम उठाया है। साथ में अभी कुछ टाइम में IBM भी बात कर रहा है यूएस की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है रेड हैट, उसको 34 बिलियन डॉलर के अंदर खरीदने को लेकर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। HCL अपनी सबसे बड़ी डील करने वाला है ये वाली अभी तक की। नीति आयोग ने लॉन्च किया है ग्लोबल हैकथॉन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर नीति आयोग ने जो है पार्टनरशिप करी है सिंगापुर के स्टार्टअप के साथ में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च किया है हैकथॉन के अंदर और इनवाइट किया डेवलपर्स को, स्टूडेंट को, स्टार्टअप्स को, कंपनीज को कि वो AI के ऊपर काम करे और एक पॉजिटिव सोशल इकोनॉमिक इंपैक्ट देश के ऊपर दे। अभी गवर्नमेंट ने भी बोला है कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उनको भी AI के ऊपर काम करना चाहिए ताकि जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है उनको अपन टैकल कर सके। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दो फेज में इसको चलाया जाएगा, एक जनवरी के अंदर और एक मार्च के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते आगे की तरफ। कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द यहां पे एक शाहपुर कंदी बांध को लेकर। तो ये जो शाहपुर कंदी बांध है ये पंजाब के अंदर बनाया जा रहा है रावी नदी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारा पानी है दोस्तों जो कि निकल के यहां से पंजाब पाकिस्तान में चले जाता है और हम उसको काम में भी नहीं ले पाते हैं। आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पता होगा कि ऊपर की जो, ठीक है, इस प्रकार से 6 नदियां हैं, ऊपर के 3 का जो पानी का हक है वो पाकिस्तान को जाता है, ठीक है, नीचे की जो 3 नदियां हैं उसका पानी जो है वो इंडिया यूज करता है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। एक बार मोदी जी ने बोल दिया था कि भाई मैं इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने वाला हूं, तो पाकिस्तान में हालत खराब हो गए थे क्योंकि पाकिस्तान का 40% 60% एग्रीकल्चर जो है वो इंडस वाटर पे ही है। अगर कल को भारत ने यहां पे इसको बंद कर दिया तो लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पाकिस्तान प्यासा ही मर जाएगा। ओके, हालांकि भारत भी इस पानी को यूटिलाइज कर लेता है कई सारे डैम बना के, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत छोड़ देता है। भारत थोड़ा सा बढ़िया देश है आपको मालूम है इन मामलों के अंदर, है ना, इतने ज्यादा स्ट्रिक्टली काम नहीं करता जैसे कि चाइना है। चाइना तो ऐसा होता है कि उसने बोल दिया तो भाई बोल दिया, उसके बाद तो एक बूंद भी पानी नहीं देगा किसी को, सिंपल सी बात है। लेकिन भारत ऐसा नहीं करता कभी भी, है ना। तो अभी लेकिन क्या है, जो रावी नदी है नीचे वाली जो नदी है उसके ऊपर तो भारत का है ही, लेकिन कुछ पानी पाकिस्तान चले जाता है, खराब हो जाता है, इसीलिए जो है इसको स्टार्ट किया गया है और ये जो डैम है वो बनाया जा रहा है। कहां पे, ये पंजाब के अंदर रावी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, ठीक है, 5 साल के अंदर इसको कंप्लीट करने की बातचीत करी जा रही है। ओके, चलिए देखिए और आगे देखते हैं दोस्तों। और ये इंडस वाटर ट्रीटी है जैसे कि मैंने आपको बताया 1960 के अंदर साइन करी गई थी और अपने नेहरू जी थे, पाकिस्तान पर अयूब खान थे उस साइड पे, ठीक है, दोनों कंट्री पानी को यूटिलाइज करेंगे। जैसे कि ऊपर की जो 3 नदी है, इंडस हो गई, चेनाब हो गई, झेलम हो गई, इंडस, झेलम, चेनाब, ये तो पाकिस्तान यूज करेगा और भारत क्या करेगा, ब्यास, रवि, सतलज, इसको यूज करेगा। ओके, हालांकि इंडस जो है वो तिब्बत चाइना से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, अगर कल को भारत ने इंडस का बंद कर दिया तो हो सकता है चाइना भारत के अंदर भी इंडस को बंद कर दे, ठीक है, लेकिन चाइना ने डिसाइड कर रखा है कि वो फ्लो है उसको चेंज ज्यादा नहीं करेगा ताकि कभी प्रॉब्लम ना हो।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अब अपन बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। आज अपन बात करेंगे त्रिपुरा की, ठीक है। त्रिपुरा की बात करते हैं, हालांकि त्रिपुरा के अंदर कुछ ऐसा है नहीं ज्यादा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, मिजोरम आसाम बांग्ला, ठीक है। दो कंट्री दो राज्य, आसाम मिजोरम, और दो देश कौन से, बांग्लादेश, तो एक ही है, मतलब ऑब्वियस बात है। तो बांग्लादेश से इसकी बॉर्डर टच हो रही है और स्टेट के अंदर आसाम और मिजोरम से हो रही है, ठीक है। त्रिपुरा बिल्कुल नीचे की साइड है, ठीक है। अगरतला कैपिटल है और 1972 को इसको फॉर्मेशन जो है इसका हुआ था, ओके। इसके अलावा बात करें, लैंग्वेज यहां पे बंगाली और कोकबोरोक नाम से है जो कि काफी चलती है। और नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा आईटी हब जो है ना, वो यहां पे इसी राज्य को बताया जाता है। अगर आईटी हब की बात करें, अगर पूछे नॉर्थ ईस्ट का आईटी हब कहां पर है, तो वो त्रिपुरा का ही बोला जाता है, ठीक है। गवर्नर कौन है, कप्तान सिंह सोलंकी, ठीक है। कप्तान सिंह सोलंकी है जो कि अभी वहां पे गवर्नर है। और सीएम कौन है, ठीक है, बिप्लव कुमार देव है बीजेपी के, जो कि अभी वहां पे सीएम है। और लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूं तो वहां पे 60 तो विधानसभा की सीटें हैं, और लोकसभा की है 2 और राज्यसभा की 1 सीट है, ठीक है। ये सब भी आपको ध्यान रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बंगाली, इंग्लिश और कोकबोरोक इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ओके। आगे बात करें स्टेट एनिमल की, तो यहाँ पे पैरी लंगूर है, बर्ड यहाँ पे ग्रेट इंपीरियल, स्टेट ट्री यहाँ पे अगर, स्टेट फ्लावर यहाँ पे नागेश्वर। रामसर साइड से एक रुद्र सागर लेक, ये फिर भी इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी में इंडो बर्मीज जो एरिया है वो है। और नेशनल पार्क यहाँ पे एक राजबनी बिसोन और क्लाउडेड लेपर्ड, ये फिर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ठीक है। ये आपके नेशनल पार्क है जो कि इंपॉर्टेंट है, ओके। तो दोस्तों ये था आज का आपका इंपॉर्टेंस बारे में, अपन ने काफी कुछ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा, काफी कुछ अपन ने डिस्कस किया है आज के सेशन के अंदर, आपको काफी कुछ नया भी जानने को मिला होगा। चलते हैं दोस्तों फन फैक्ट विद वाईफाई स्टडी की तरफ, देखते हैं आज का अपना फन फैक्ट क्या है। इफ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ टाइड टू अ गोल नॉट टू पीपल और थिंग्स, तो कल परसों अपन ने बात करी थी कि जैसे उदास रहते हैं वो ज्यादा सोते हैं, ज्यादा सोने का मन करता है, ठीक है। और अगर आप कम सोते हैं तो इसका मतलब आप ज्यादा हैप्पी है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि अगर पहली बात तो ये है कि चलो ठीक है सोना धोना भी है, एक्चुअली के अंदर हैप्पी कैसे रहा जाता है, तो देखिए हैप्पी रहने का भी एक अपना साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप गोल के ऊपर काम करते हैं अपने, हाँ कि आपको क्या करना है, क्या बनना है, आपको अचीव क्या करना है, तो आप ज्यादा खुश रहते हैं, आपके टारगेट फिक्स होते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, मस्त रहते हैं। अगर आप लोगों से अटैचमेंट और या फिर कोई भी कम्युनिटी से आपने अटैचमेंट जब चालू कर दिया, तो दोस्तों चीजें जो है वो खराब होना चालू हो जाती है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ही टेम्पररी है, लेकिन आपके जो गोल्स है ये परमानेंट है, ये आपको हमेशा ड्राइव करेंगे आगे ले जाने को लेकर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी, थोड़ी सी डीप बात थी, लेकिन आप थोड़ा सा सोचेंगे इसके ऊपर 2 मिनट तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बृहदेश्वर मंदिर को लेकर है, ये कौन से राज्य में स्थित है। अगला है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बनाए गए हैं। नेक्स्ट एडमिरल कप सेलिंग रैक्टा 2018 कौन जीता है। अगला हैनिन एंड एक्साइड एक्साइज जो है वो कहां पे करवाई जा रही है। नेक्स्ट है 7 दिसंबर को क्या ऑब्जर्व किया जाता है। अगला है हु इनॉग्रेटेड द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ मीडिया एम्पावरमेंट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं जर्नलिज्म का स्कूल है। नोटेड एग्रीकल्चरिस्ट जयराम पास जब रिसेंटली, ही बिलोंग्स टू विच स्टेट, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। विच सिटी विल होस्ट द 2023 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, कौन सा देश होस्ट करने वाला है। अगला है ब्लू वॉटर्स ओए किसके द्वारा रिलीज करी गई है। और नेम द आईटी फर्म विच विल बाय 7 IBM प्रोडक्ट्स ओवर ₹12,000 करोड़। तो ये आपको अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कशन इसके बारे में किया ही था, ओके। तो दोस्तों ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, उम्मीद करता हूं आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। और कुछ बच्चे यहाँ पे रेलवे बूस्टर के बारे में बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, ठीक है। तो रेलवे बूस्टर के बारे में मैं आपको फिर से बता देता हूं दोस्तों, क्या आपको वीडियो के नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, उससे आप अपने जो आने वाला एग्जाम है CBD 2 जो एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए टेस्ट सीरीज का जो एडवांस टेस्ट सीरीज वर्जन है, ठीक है, टेस्ट सीरीज तो गए पुराने जमाने हो गए, एडवांस टेस्ट सीरीज वर्जन है, जिसका मतलब है मॉक टेस्ट विद द वीडियो सॉल्यूशन। एक दिन पहले आपको टेस्ट दिया जाएगा, अगले दिन उसके वीडियो सॉल्यूशंस आपको कराए जाएंगे, ताकि आपकी जो मिस्टेक है और 360 डिग्री उस क्वेश्चन का एनालिसिस है वो सब आपको कर सके, ठीक है ना। ताकि कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको अपन को थोड़ा डेप्थ में डिस्कस करना होता है, तो वो सारे भी डिस्कस करे जाएंगे।
ठीक है। तो अगर आप अपने CBT एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं, अगर आपने नहीं लिया अभी तक, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है या फिर कोई भी अपना प्लस कोर्स ज्वाइन नहीं किया, तो आप इसको ले सकते हैं। इससे आपको लास्ट एंड मूवमेंट के ऊपर बहुत अच्छी तैयारी जो कि आपको करने को मिलेगी। नियर बाय 1500 क्वेश्चन है जो कि कवर अप कर ही जाएंगे 20 के अंदर। ओके, तो उम्मीद है कि आप इसका पूरा यूज करेंगे। तो आजकल इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।